कुंभ में जाने के लिए वृंदावन में स्थित सप्त देवालयों की शोभा यात्रा आज बड़े धूमधाम से निकाली जा रही है। आप सामने देख रहे हैं वृंदावन कुंभ वहां पर गौड़िया संप्रदाय द्वारा ये भव्य शोभा निकाली जा रही है और इसमें साधु संत जो है विभिन्न तरीके के कर्तव्य दिखा रहे हैं। देखिए साधु किस तरीके से तलवारबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए संत लोग गौड़िया संप्रदाय की ये शोभा यात्रा ये देखिए किस तरीके से मृदंग और झांझ मंजीरे बजा के नृत्य करते हुए और ये भक्ति की पराकाष्ठा। देखिए अत्यंत वृद्ध होने के बाद भी महाराज जी ट्राइसिकल पे आके और ठाकुर जी की सेवा में हैं। धन्य है प्रभु महाराज जी की शोभा यात्रा में जय। महाराज जी आपकी किस मंदिर पे है? ये सोना गौरांग मंदिर सोना। हाँ महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आप किस मंदिर से किस देवालय से हैं? सिद्ध जगन्नाथ स्वामी जी के शिव ठाकुर हैं सोना गौरांग महाप्रभु। सिद्ध जगन्नाथ स्वामी महाराज ने यहाँ से सीधे कुंभ में जाएंगे। हाँ कुंभ में जाएंगे भगवान आज के दिन कुंभ घूमने जाते हैं तन्मयता से पूरी भक्ति के साथ ये नगाड़े बजाते हुए और नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। वालों की प्रभुपाद जी की शोभा यात्रा और ये भक्त लोग डांस करते हुए नृत्य करते हुए श्रीपाद बाबा की शोभा यात्रा भक्ति वेदांत स्वामी इस्कॉन टेंपल से ये शोभा यात्रा भगवान जगन्नाथ शिव सिंहासन में विराजे हुए हैं जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं और बहुत सुंदर छवि भारत प्रभु की जय हो। आप शोभा यात्रा में आई हुई है जी। अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत आनंद आ रहा है। आप नृत्य भी कर रहे हैं नृत्य करके दिखाइए। आया बस बहुत बढ़िया गोपीनाथ बाजार की शोभा यात्रा गोपीनाथ महाराज स्वामी जी गोपीनाथ बाजार से गोपीनाथ भगवान की हमने राधा रमण मंदिर ये सप्त देवालयों में बहुत प्राचीन है। यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे और छोटी सी उनकी छवि है भगवान की लेकिन महिमा बहुत विचित्र है। इस मंदिर में आने पर अच्छे अच्छों के काम बन जाते हैं। हेमा मालिनी जो कि यहाँ की सांसद है वो भी अक्सर इस मंदिर में आती है और अपना नृत्य प्रस्तुत करके भगवान को रिझाने की कोशिश करती है। आइए दिखाते हैं इस मंदिर की झांकियां और शोभा यात्रा। व्यवस्था के साथ जो भी कार्यक्रम कराए जा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद सर। धन्यवाद ये बहुत बढ़िया व्यवस्था। तो
ये राधा श्याम सुंदर मंदिर की शोभा यात्रा आप देख रहे हैं सामने। राधा श्याम सुंदर प्राचीन देवालयों में एक देवालय है, और आइए मिलते हैं राधा श्याम सुंदर मंदिर के सेवायत गोसाई जी से। मंदिर के सेवायत गोसाई जी, गोसाई जी थोड़ा सा राधा श्याम सुंदर मंदिर के विषय में प्रकाश डालेंगे आप? देखिए, ये राधा श्याम सुंदर मंदिर जो है वृंदावन के मुख्य जो सप्त देवालय है उसमें से एक है, और संपूर्ण विश्व के जो वैष्णव समाज है उसके जो 52 द्वारा है उसमें से जगत गुरु श्री श्यामानंद प्रभु द्वारपीठ है ये। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ जो शिव विग्रह है जिनके सब दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, एक तो जो श्याम सुंदर स्वयं राधारानी के हृदय कमल से प्रकटित है, और जो उनके राधारानी वो भरतपुर महाराजा के रत्न भंडार में वो भी स्वयं प्रकटित है, और दोनों का विवाह हुआ था और बसंत पंचमी 1580 को, तब से यहाँ सेवा चली आ रही है। बाद में हमारे और एक आचार्य गौड़ीय संप्रदाय के जो जिन्होंने उस ईस्वी 1719 में हमारे गौड़ीय संप्रदाय को स्थापित और प्रतिष्ठित किया था वह बलदेव विद्या संपाद, उनके सभी जो बड़े ठाकुर जी बड़े राधा श्याम सुंदर वो भी वृंदावन में हमारे मंदिर में विराजमान है। और आप जानते ही हैं जो राधा श्याम सुंदर जैसे नाम है ऐसा ही काम है जी। महाराज जी, कुंभ लगा हुआ है तो ये शोभा यात्रा क्या कुंभ के परिप्रेक्ष्य में निकाली जा रही है? ऐसा है, हमारे परंपरा से वृंदावन में जब महाकुंभ मेला लगता है उस समय हमारे वृंदावन के मुख्य जो सप्त देवालय है उनके तरफ से एक शाही सवारी नगर संकीर्तन शोभा यात्रा निकल जाती है, ये उसी का अंश है आप जो दर्शन कर रहे हैं आज। तो ये अब कुंभ तक जाएंगे और जगत गुरु श्यामानंद प्रभु नगर तक जाएंगे, फिर वहाँ साधु वैष्णव सेवा होगा, सभी के प्रसाद का प्रबंध है, भंडारा है, फिर सब अपने अपने स्थान को प्रत्यावर्तन करेंगे। ये शोभा यात्रा आप देख रहे हैं, ये गोकुलानंद मंदिर की जो सप्त देवालयों में गोकुलानंद मंदिर की शोभा यात्रा आपके सामने है। सबसे प्राचीन देवालय राधा दामोदर मंदिर के सेवायत गोसाई जी हमारे साथ है। गोसाई जी, थोड़ा सा मंदिर के विषय में प्रकाश डालेंगे, महत्ता के विषय में से बोलिए। राधा दामोदर लाल की जय। ये शोभा यात्रा राधा दामोदर मंदिर से निकाली गई है। राधा दामोदर मंदिर में गिरिराज शिला है जो भगवान ने सनातन गोस्वामी जी को दिया था और कहा था राधा दामोदर मंदिर में रख करके इसकी चार बार परिक्रमा देने से गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त होगा। तो आज शोभा यात्रा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा दामोदर श्याम सुंदर गोकुलानंद जगन्नाथ मंदिर ये सप्त देवालय सब शोभा यात्रा एक साथ निकाली गई है। ये हम सब लोग कुंभ मेला में जाएंगे, कुंभ मेला में जाके जमुना का आचमन करके मई प्रसाद ग्रहण करेंगे। प्रेम से बोलिए राधा दामोदर लाल की, विश्व गुरु श्री जीव गोस्वामी पाद की जय। जय श्री राधे। महाराज जी, अपने भक्तों को कोई संदेश देना चाहेंगे? आज जितने भक्तगण आए हैं मैं राधा दामोदर जी से ये प्रार्थना करूंगा कि उनको भक्ति प्राप्त हो, उनको सदगति सदमति प्राप्त हो, और जो भी अपनी मनोकामना लेकर कुंभ के पावन पर्व पर यहाँ आए हैं उनकी सभी मनोकामना हमारे राधा दामोदर जी एवं सप्त देवालय जी पूरे पूर्ण कर। ये थे राधा दामोदर मंदिर से गोसाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौड़िया मठ के महाराज जी, शोभा यात्रा विशाल शोभा यात्रा श्रद्धालु पूरा आनंद लेते हुए आइए। बहुत सुंदर व्यवस्था, युवकों की टोली बहुत अच्छे से नृत्य करते हुए बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। श्री राधा रमण मंदिर की ये शोभा यात्रा राधा रमण जी स्वयं प्रकट देखता है, आइए दिखाते हैं आगे। प्रसाद वितरित करते हुए इस्कॉन टेंपल के लोग इस्कॉन संप्रदाय से साथ और ऊंट के साथ में भगवान की
शोभा यात्रा निकल रही है, ये राधा रमण मंदिर के पुंडलिक जी साथ में आज कुंभ जो 12 वर्ष में आता है उसमें सबसे मुख्य सप्त देवालयों की यात्रा होती है, क्योंकि वृंदावन के सबसे पुराने आदि स्थान 7 मंदिर हैं। चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन का पुनः प्रकाश किया तो उन्हीं की परंपरा में बसाए हुए जो सप्त मंदिर हैं वो कुंभ में 12 वर्ष में इस कुंभ क्षेत्र में जाते हैं। और ये 12 वर्ष में, और इस बार तो बहुत ऐतिहासिक है कि सारे मंदिर एक साथ हैं, तो मंदिर की एकता भी है और सातों मंदिर के गोस्वामी गण भी एक साथ हैं और सब पैदल चलते हुए बड़े लवाज में बैंड बाजे कीर्तनियाओं के साथ कुंभ क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसा दुर्लभ दृश्य शायद इससे पहले कभी नहीं देखा। राधा रमण जी ने जो प्रभु है वो सुना है कि स्वयं प्रकट हुए हैं, तो आप उसके विषय में कुछ बताएंगे। हाँ, आज से लगभग 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु के अंतर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज हुए और उनकी भजन से शालिग्राम जी से श्री राधा रमण जी स्वयं भी प्रकट हुए, जो कि वृंदावन का एक पुराना आर्ष स्थान है। और ऐसा कहते राधा रमण जी दर्शन करने के बाद अगर कोई ये कहे कि मैंने कृष्ण को नहीं देखा तो वो अपराध कर रहा है, उसने साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया। ये थे हमारे साथ राधा रमण जी के गोसाई पुंडरीक जी महाराज, जो भागवताचार्य भी हैं। धन्यवाद पुंडरीक जी। राधा रमण जी के एक और गोसाई जो कि भागवताचार्य भी हैं, देवांशु जी जुड़ गए हैं। देवांशु जी, राधा रमण जी के प्राकट पर जो मंदिर है उस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए बस। राधा रमण जी हमारे जो 500 वर्ष पुराना मंदिर है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के विश्वास से शालिग्राम शिला से राधा रमण जी प्रकट हुए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में भाव आया कि हमारे ठाकुर जी की सेवा पूजा करें, उनका श्रृंगार करें। ठाकुर जी शालिग्राम स्वरूप में थे और उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि आप प्रहलाद के लिए खंभे को फाड़ के प्रकट हो सकते हो तो मुझ गोपाल भट्ट के लिए शालिग्राम में से प्रकट नहीं हो सकते। और गोपाल भट्ट जी की प्रार्थना पर ही राधा रमण जी हमारे शालिग्राम शिला से प्रकट हुए। 500 सालों से राधा रमण जी दिव्य रूप से भक्तों की ऊपर कृपा कर रहे हैं और दुनिया का पहला ऐसा विग्रह है जो शालिग्राम शिला से प्रकट हुआ। धन्यवाद देवांशु जी। ये मंदिर की सेवायत कृष्णा गोस्वामी जी के सुपुत्र करते हुए बहुत आनंद का अनुभव। जय हो। आइए और भजन करते हुए आपको सामने दिखाए जा रहे विभिन्न तरीके की शोभा यात्रा। ये देखिए ऊंट गाड़ी पर बहुत सुंदर ये प्रकाश पुरी जी महाराज जगन्नाथ पीठ के पीठाधीश्वर पार्थ, इधर दिखाइए किस मंदिर की शोभा यात्रा है ये? जगन्नाथ मंदिर की। जगन्नाथ मंदिर तो यहाँ से आप लोग कहाँ जाएंगे सीधे? ये जमुना जी जाएंगे, कुंभ के लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नृत्य करते हुए नव युवक और युवतियाँ भक्ति के रंग में सराबोर, शानदार पूरा वृंदावन इस समय भक्तिमय लग रहा है। सब लोग भक्ति के रस में डूबे हुए हैं और नागरिकों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर और पटका माला उड़ाकर सभी का अभिनंदन किया जा रहा है। देख लिए राधा रमण के पुंडरीक जी का स्वागत करते हुए लोग, और इधर हमारे साथ अनुभूति जी है। पार्थ सर, ये शोभा यात्रा इसके उपलक्ष्य में है। देवांशु जी से बात कर रहे हैं। देवांशु जी से कहा है देख ना रहे हम सामने विनोद बनर्जी शिक्षक भी है, और ये राधा दामोदर मंदिर की भव्य शोभा यात्रा, और स्त्री और पुरुष सभी समान रूप से नृत्य करते हुए लग रहा है आज ब्रज में भक्ति रस भरपूर बरस रहा है, भक्ति रस की बारिश हो रही है और एक सैलाब उमड़ रहा है श्रद्धालुओं का। शोभा यात्रा की ये भव्य शोभा यात्रा आप देख रहे हैं, बड़े बड़े छत्र लगे हुए फूलों के और
ये गुसाई वर्ग, ये देखिए तन्मयता से पूरी भक्ति के साथ ये नगाड़े बजाते हुए और नागरिकों द्वारा पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। निकलते हुए ये देखिए सामने राधा दामोदर मंदिर की शोभा यात्रा, भक्तगण एक ड्रेस में, बिल्कुल लग रहा है आज वृंदावन में भक्ति का रस बरस रहा है और ये भक्ति रस की पराकाष्ठा, लोग बिल्कुल नंगे पैर नृत्य करते हुए, महिलाओं का हुजूम, भगवान जगन्नाथ शिव सिंहासन में विराजे हुए हैं जैसा कि सामने आप देख पा रहे हैं और बहुत सुंदर छवि भारत प्रभु की। जय हो, जय हो।